गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द फैमिली ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो सुबह के बज गए 10, हम पी रहे हैं अभी चाय। तो सुनीता आई है, वो भी चाय पी रही है और मैं भी अभी चाय का कप लेके बैठी हूँ, ये देखो। और तो आज तारीख है 26 फरवरी और कल हम जा रहे हैं कोलकाता। हाँ, तो आज शायद कुछ सुननी था, कुछ समझा के जाऊंगी क्योंकि कल के बाद मैं घर पे नहीं रहूंगी। तो कल 7 बजे का, शाम 7 बजे का ट्रेन है। तो आज सारे तैयारी करना है, तो बहुत कुछ जो कोलकाता मैं जाऊंगी तो बना के ले जाऊंगी ससुराल के लिए, वो सब बनाऊंगी। तो शाम को बनाऊंगी, दोपहर से स्टार्ट करना पड़ेगा। सुनीता भी आएगी, थोड़ा हेल्प करेगी। और अभी देखते क्या क्या सारे कुछ घर का काम लिमटाना है। बहुत कुछ जो है ब्लैंकेट वगैरह वो सब पैक करके जाऊंगी आज। तो तेज धूप देख के सारे कपड़े वगैरह धो दिया है दोनों बेटों का, और कुछ इसमें से उठा के जाऊंगी मैं सर्दी का। और यहाँ पे देखो सूरज देव तो बीच बीच में सूख रहे, क्योंकि अभी बारिश जैसा मौसम हो गया तो सुबह का जितना धूप था उसी धूप में सारे कपड़े वगैरह सूख गए मेरे। 10 कबूतर उड़ा गए हैं, 2 बिल्ली आके, रात को 1:30-2 बजे बिल्ली आया था, तब बारिश भी हो रहा था तेज, पता नहीं लगा बारिश में। तो हमारे सारे छोटे छोटे जो जितने प्यारे प्यारे कबूतर सारे उड़ा के चले गए 2 बिल्ली आके। अब कुछ है, अभी भी 15-20 है जो सारे बूढ़े वाले। तो मेरे सारे लागत सुबह सुबह ही क्लीन करके धूप में डाल दिया था, अभी सारे सूख गए हैं, उठा दूंगी इनको और फिर कपड़े वगैरह पैक भी करना है। तो ये सारे गाजर ऊपर लेके आई थी, अभी बैठे बैठे यहाँ पे कद्दूकस करूँगी धो के। तो ये देखो लाल लाल गाजर, बहुत ही बढ़िया गाजर लेके आए हैं, एकदम लाल लाल है। और इसका जो हलवा है ना, इतना बढ़िया बनता है ना लाल लाल गाजर का। हमारे इधर गाजर बहुत बढ़िया मिलता है। और यहाँ पे देखो ये गाजर का जो इधर है ना, ये जो जड़ निकलता है, ये सब क्लीन कर रही हूँ। अभी क्लीन करके अच्छे से धो के उसके बाद इसको कद्दूकस करूँगी। और सामने हमारे घर के सामने वाले छत पे देखो बच्चे बहुत शोर मचा रहे, फुटबॉल खेल रहे छोटे छोटे बच्चे, और इसीलिए साउंड आ रहा है तेज। तो ये दराती ऊपर लेके आ गई हूँ, ये दराती ऊपर ही रहता है, तो ऊपर जब सब्जी वगैरह काटती हूँ ना तो इसी दराती से काटती हूँ। तो इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर इसको धो के फिर कद्दूकस करना है इस तरह से। ये देखो करना है सारे गाजर। सारे गाजर अच्छे से धो के रख दिया, अब अभी इसको कद्दूकस करूंगी थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे देखो गाजर गैस पे चढ़ा दिया है ऊपर, आज ऊपर बैठ के बना रही हूँ। और 1 घंटे से ये कद्दूकस कर रही थी सारे गाजर, 3 किलो गाजर है। तो इसको थोड़ा सा 1 मिनट तक चलाऊंगी, थोड़ा नरम होते फिर इसमें दूध डाल दूंगी। तो गाजर को 2 मिनट चलाया और ये देखो एकदम नरम हो गया, और इसी स्टेज पे इसमें दूध डालूंगी। तो ये पूरा कढ़ाई भर गया था, तो यहाँ पे 3 किलो गाजर है तो 3 किलो ही मैंने दूध डाला है, जितना गाजर उतना ही दूध डाल दिया है। और ये दूध एकदम सूखने तक अच्छे से पकाऊंगी गाजर के साथ। तो अभी देखो ऊपर बैठे बैठे गुंजे बना रही हूँ। सुनीता आने वाली थी 5 बजे, वो नहीं आई है, तो क्या करे, तो हम खुद ही बना रहे अभी। यह पहले तो छोटा छोटा बेल के रखा है पूरिया, और अभी ये बना रही हूँ। देखो ये सारे बेल के रखी मैं, और अभी इसमें ये जो पूर है ये भर रही हूँ। तो इस तरह से गुंजे बनता है। तो ये गुंजिया मैं लेके जाऊंगी कोलकाता। तो ये जो है हमारे ससुराल में सबको बहुत पसंद है,
तो इसीलिए मैं थोड़ा बना के लेके जा रही हूँ गाजर के हलवा के साथ, ये भी बना के ले जा रही हूँ क्योंकि हमारे बड़ी बेटी को ये बहुत पसंद है, उसने स्पेशली बोला है कि उसके लिए ये लेके जाने के लिए, और मेरे हाथ का स्पेशली उसको अच्छा लगता है इसीलिए। और गाजर के हलवा बना रही हूँ मेरे ससुर सास के लिए, तो मेरे ससुर जी को बहुत पसंद है गाजर के हलवा, तो इसीलिए उनके लिए भी गाजर का हलवा बना के ले जा रही हूँ। तो सब कुछ बना रही हूँ अभी मैं, जोरों शोरों से काम चल रहा है, इधर गाजर का हलवा बन रहा है और यहाँ पे मैं गुंजिया भी बना रही हूँ। तो सुनीता आके हेल्प करने वाली थी, वो तो नहीं आई, पता नहीं कब तक आएगी, आएगी तो आएगी बना देगी, नहीं आएगी तब भी मेरे को बनाना ही पड़ेगा, तो क्या करे। ये देखो इस तरह से फटाफट बना के जितना बन पाए बना लूँगी, उसके बाद मेरे को शॉपिंग भी जाना है, थोड़ा मॉल जाना है, तो कल गई थी तो कुछ कुछ शॉपिंग रह गया था तो आज जाऊँगी। तो अभी हस्बैंड का फोन आया था फटाफट रेडी होने के लिए, तो ये सब बना के ही जाऊँगी, बहुत काम है मुझे आज, सारे तैयारी आज ही करना है, काली तो ट्रेन है। देखो ये दूध बस थोड़ा सा ही रह गया है, और बहुत सारे तीन मतलब इसका जितना दूध था ना उसका 3% ये सूख चुका है दूध, और 1% रह गया, और अभी इसमें चीनी डाल रही हूँ, तो अभी इसमें चीनी जाएगा, तो मैं इसमें ना 500 ग्राम ही चीनी डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालूँगी। ससुराल वालों को चीनी पसंद नहीं है ज़्यादा। ये देखो इसको अभी एकदम सूख जाने देंगे, चीनी से भी अभी पानी निकलेगा तो एकदम अच्छे से सूख जाएगा ना, जब एक कढ़ाई छोड़ने लगेगा तो अभी इसमें घी डालूंगी, ड्राई फ्रूट डालूंगी। इस तरह से गाजर का हलवा बनाती हूँ मैं, अभी तो ये पकेगा मतलब सूखेगा अभी दूध, और यहाँ पे गुंजिया भी बना रही हूँ साथ में, देखो यहाँ पे गुंजिया भी बहुत बना दिया है, और ये पेस्ट अभी भी रह गया है, देखो ये अभी इसमें जाएगा, अभी है बनाने में थोड़ा रह गया है, और अभी हलवा में चीनी डाल रही थी, तो ये सब काम झाम मेरे को फटाफट लिमटा के जाना है, मेरे को शॉपिंग जाना है। तो अभी रेडी हो गई हूँ, जा रही हूँ थोड़ा शॉपिंग करने, कुछ शॉपिंग रह गया है तो वो सब अभी करने जा रही हूँ। तो अब कपड़े वगैरह लेने आई हूँ, अभी शॉपिंग से आके फिर से गाजर के हलवा में फाइनल टास हो रहा है। तो अभी काजू और बादाम को अच्छे से घी में फ्राई कर लूं, तो काजू बादाम को थोड़ा सा घी में फ्राई कर लूं, और इसको अभी गाजर के हलवा में डालूंगी, तो ये थोड़ा देसी घी डाल के इसको लाल लाल करके फ्राई करूंगी, इससे ना बहुत बढ़िया टेस्ट आता है ड्राई फ्रूट का।
कच्चा देने से वो टेस्ट नहीं आता, इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट क्रंच भी हो जाता है ना इसीलिए। और ये देखो गाजर के हलवा एकदम हो गया है मेरा रेडी। ये देखो कढ़ाई छोड़ने लगा है ना, तो अभी इसमें घी जाएगा और ये ड्राई फ्रूट भी जाएगा। तो ड्राई फ्रूट थोड़ा और लाल करके फिर डाल देते हैं इसमें। सारे गुंजिया अभी फ्राई हो रहा है, डीप फ्राई करना है क्योंकि ये गुंजिया ना शाम को ही बना के गई थी, उसके बाद शॉपिंग चली गई, टाइम नहीं मिला। जब शॉपिंग गई वहाँ पे अभी सारे काम खराब हो गया और ये भी इसमें भी अभी लेट हो गई हूँ। गया है लाल लाल, ये देखो लाल लाल हो गया है। काजू बादाम ठूस ठूस के डाल देते हैं गाजर के हलवा में। डाल दिया है और इसको अभी मिक्स बंद कर। ले ले अब दिखा, देसी घी डाल देते हैं, ठूस ठूस के डाल देते हैं, नहीं ठूस के नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें बहुत घी है। ये दूध सारे सूख के एकदम ये एकदम घी की हो गया है और इसमें घी मैंने कम डाला क्योंकि ड्राई फ्रूट भी मैंने घी से ही फ्राई किया है। और इसमें अभी लास्ट में जाएगा खोआ, खोआ ऊपर। तो हलवा हो गया है इस तरह से रेडी और अब इसके ऊपर डाल देते हैं खोआ। तो अब एकदम ये फाइनल टास्क है और मेरा गाजर का हलवा हो गया है रेडी। तो ये मैं शॉपिंग जाने से पहले आधा पका के गई थी, आधा नहीं मतलब 3% पका के गई थी, घर पे आके 1% पका के फिर इसमें सब कुछ डाल दिया है। और देखो गाजर के हलवा कितना सुंदर दिख रहा है ना, और खाने में उतना ही टेस्टी होगा। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है और यमी दिख रहा है ना। ये देखिए इस तरह से गाजर का हलवा हो गया है। तो ये गाजर का हलवा रेडी है। तो रात के बज गए हैं 11, अभी शावर कपड़े वगैरह प्रेस करके लागज में भर के रख दूंगी, कल सुबह टाइम नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। सब लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय।